तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं पावर बीआई। तो कल की क्लास में हमने पावर बीआई पे एक इंट्रोडक्शन दिया था, कैनवस दिया था। आज हम बताने जा रहे हैं कि आखिर पावर बीआई से आप किस तरह का डैशबोर्ड तैयार करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ पावर बीआई से इस तरह का डैशबोर्ड तैयार होता है और आगे क्लास में सही होगा। तो आज हम आपको जो चीज़ें बता रहे हैं, जैसे आपको आप जॉब करना है, क्योंकि वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, वो चीज़ें काफ़ी आगे की है, आपको जस्ट उसको अब जॉब करना है। तो सबसे पहले मैंने डेटा कनेक्ट किया, डेटा कहीं भी हो सकता है, वो आपका एक्सेल पे भी हो सकता है और भी बहुत सारे डेटाबेस सर्विसेज में हो सकता है। सबसे पहले ज़रूरत होती है डेटा कनेक्ट करने की, ठीक है। हमने डेटा को कनेक्ट किया, देन लोड, अब एक साथ दो तीन डेटा भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरा एक डेटा कनेक्ट हो रहा है, उसके बाद वापस हम आते हैं दूसरी डेटा के लिए, इस पर क्लिक करते हैं और हम दूसरी डेटा को भी कनेक्ट कर देते हैं। और इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। डेटा जब कनेक्ट हो जाती है तो कभी कभी जरूरत पड़ती है हमें कैलकुलेशन की, क्योंकि क्या होता है ना कि डेटा हमें हमारे फॉर्मेट में नहीं मिलता है। डेटा जो है हमें हमारे फॉर्मेट में नहीं मिलता है, इसलिए जैसे कि तो हम इसके लिए कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ डेटा व्यू पे, जहाँ से हम डेटा व्यू कर सकते हैं, जिस डेटा पे कैलकुलेशन करनी है वो डेटा को सिलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, क्वांटिटी और एमआरपी है। अभी डेटा भी शो हो जाएगा, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो क्वांटिटी और एमआरपी है, बट यहाँ पे अमाउंट नहीं है, क्योंकि 52 जो है एक पीस का प्राइस है और यहाँ पर 31 पीस हुआ है, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो यहाँ आप टोटल कर सकते हैं, मतलब कि डेटा में जो चीज़ है तो डेटा को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, जो भी कैलकुलेशंस वगैरह करना है, कुछ फॉर्मूले लगाने हैं, आप डायरेक्ट पावर बीआई में लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमने यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, ये हमारा हो गया। तो एक बार हमने डेटा हमने कनेक्ट कर लिया, डेटा को फाइनलाइज कर, देखिए स्टेज समझिए, पहला स्टेज क्या है, पहला स्टेज है आपको डेटा कनेक्ट करना, सेकेंड स्टेज होता है डेटा को कैलकुलेट करना, डेटा को सही करना रिपोर्ट के लिए, राइट सर। उसके बाद यहाँ पे हम अपना रिपोर्ट बनाते हैं। आप देखेंगे कितनी जल्दी मैं एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड तैयार कर रहा हूँ। तो हमने अपने विजुलाइजेशन सेलेक्ट किया, इसमें हमने यहाँ पे टोटल क्वांटिटी डाला, उसके बाद वापस हमने इसको सेलेक्ट किया और डेटा वन से हमने तीन नंबर को डाला और टूल टूप में चला गया, ये हमारे पास वैल्यू में आएगा, यहाँ से उठा के वैल्यू में रखना होगा इसको, यहाँ तीन नंबर को ऑटोमेटिक इसका काउंट आ गया, तो इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा करते हैं। या हेडिंग देना है तो यहाँ इंसर्ट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स को उठा के मैं यहाँ रखता हूँ ऊपर में, यहाँ पे दे देता हूँ मंथली सेल्स रिपोर्ट
2021 और इसको सेल्स की स्पेलिंग मिस्टेक है, और इसको सिलेक्ट करते हैं, इसकी साइज यहां से बढ़ा देते हैं और फिर हम इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे इसको सेलेक्ट किया हमने और इसको मिडल कर देते हैं, तो ये हमारा हेडिंग तैयार हो गया। ओके, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग हम विजुलाइजेशन चूज करेंगे। और अपने अलग अलग डेटाबेस से, अलग अलग डेटाबेस से हम इसको लेते हैं, जैसे कि इसमें हम स्टेटस इस ऊपर में लेते हैं, इसे हमें स्टेटस बाइस काउंट ऑफ टी नंबर दे लेते हैं। अपने हिसाब से अपना रिपोर्ट लेना है और उसी हिसाब से इसको अरेंज करना है। तो ये डोनर स्टार्ट के लिए आपने कौन सा वाला सेलेक्ट किया अभी? एरा हाँ अच्छा, सारे विजुलाइजेशन आपके सामने है, बस आपको चूज करना है बस। अब यहाँ देखिए ये जो रिपोर्ट हुआ है, यहाँ से मैं डाउन करता हूँ क्वार्टरली मंथली, ठीक है, ये हमारा मंथली रिपोर्ट, थोड़ा सा इसको इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर किया तो पीछे ये हो रहा है, गैप हो रहा है, तो हम इसकी फॉर्मेटिंग में जाएंगे और इसका जो बैकग्राउंड है उसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं और इसकी जो बैकग्राउंड है इसकी बैकग्राउंड भी ऑफ कर देते हैं, इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग भी की जा सकती है। ओके सर, उसके बाद यहाँ हम जो है मैप चार्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, इसको और इसमें हम देते हैं सिटी एंड क्वांटिटी।
ये फिल चार्ट करते हैं, चार्ट को चेंज करते हैं, ठीक है। अब मेरा रिपोर्ट परफेक्टली चेंज हो गया। हम पेज वन को हम मान लीजिए कि 2021 कर दिया। अब बात आती है, अब रिपोर्ट को हम मतलब कैसे भेजें। तो दो चीज़ें हैं, रिपोर्ट आपका रेडी है और यहाँ पब्लिश का बटन है, उससे पहले एक्सपोर्ट का बटन पे जाते हैं तो इसको आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पहली बात जान लीजिए। लेकिन बात यह है कि पीडीएफ में करेंगे तो किसी को पीडीएफ भेज सकते हैं, जब इसको पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपको सेव करने के लिए बोलेगा इसका लोकल ड्राइव में। और हमने यहाँ पे डैशबोर्ड 730 सेव कर लेते हैं, ओके। अब ये ऑनलाइन हमारा पब्लिश हो गया। अब मैं पावर बी आई की साइट पे जाऊंगा, साइन इन करना पड़ेगा, बट मेरा साइन इन है ऑलरेडी तो साइन इन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मेरे वर्क स्पेस में, यहाँ जो मैं माई वर्क स्पेस में हमने अपलोड किया है उसमें देखिएगा 730 डैशबोर्ड आ गया, ये 730 का डेटा आ गया, डेटा शीट्स, और ये आ गया हमारा रिपोर्ट। तो डेटा शीट को भी एक्सेस कर सकते हैं और रिपोर्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इस रिपोर्ट को मुझे किसी को शेयर करना है, अगर आपके डोमेन पे है उसको शेयर करना चाहते हो तो इजीली यहाँ से शेयर कर सकते हो। एक्सपोर्ट करना चाहे तो इसको पावर पॉइंट पे, पीडीएफ पे, एनालिटिक्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इसको शेयर करना चाहते हैं तो आप इसकी एम्बेड कोड कर सकते हैं, मोबाइल पे क्यूआर कोड भेजना चाहते हैं तो मोबाइल पे क्यूआर कोड भी जा सकता है। तो ये यहाँ से इंटरफेस आपको हो गया। आपको इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, कोई फिल्टर वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ लगाया जा सकता है एडिट पे क्लिक करके, राइट सर? हाँ सर, बट ये जो है सिटी वाइज जो बनाया है उसमें अपने को अगर ये भी डालना है परसेंटेज या फिर अमाउंट, वो सारी चीज़ें की जा सकती है, वो सारी चीज़ें की जा सकती है। मैंने आपको जस्ट बताया कि किसी तरह के डैशबोर्ड्स को हम इजीली कैसे बना सकते हैं, ओके। अब आगे की क्लासेस में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन की चीज़ें क्या है, कैसे होती है वगैरह वगैरह। अभी जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि आप कुछ ही मिनट्स में अभी इसी रिपोर्ट को देख लीजिए, इसी रिपोर्ट को मुझे अगर एक्सेल पे बनाना होगा तो इसके लिए काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, पर आपने देखा कि मुझे 5-7 मिनट लगे इसको बनाने में। तो पावर बी आई की जो इम्पोर्टेंस है वो समझना जरूरी है।